हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:15 बज गए हैं, लेकिन फिर भी तैयार हो जाएगा जाइयो, क्योंकि इससे पहले चिंकी चली गई थी नहाने के लिए, और अभी 2 मिनट में हो जाता है रेडी। राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे जी। हाँ भाई नंदिनी, ये वाली बोतल ले जाओगे आप? हैं, आप ऐसा करो, ये बहुत रहेगी, इतना 2 लीटर पानी बहुत है आपके लिए दोपहर तक, हैं। और बैग वैग जो है एक अलग ही डाल लो, इसका थैला में दे दूंगा मजबूत से, ठीक है। बोतल आपकी कहाँ है भाई? मैं तो ले जाऊंगी। कौन सी? पिंक वाली। पिंक वाली, पिंक वाली छोटी रह जा, उसमें पानी कम आवे। अब इस तेरी कहाँ बेटा पानी की बोतल? चलो बस 7-8 मिनट बाकी रह गए हैं, हैं। किस, कौन सी का ढक्कन? किसने रखा था? है? मैंने रख दिया आपकी बोतल दूसरी। ये वाला बॉक्स किसका है? नहीं। रखो तो बैग में। चलो भाई। लेट लतीफ़ हो गए थे थोड़ा सा कल संडे की, जैसे कि संडे में उठे थे ना लेट, तो आज भी थोड़ा सा वैसी हैबिट से उठे ये, लेकिन फिर भी टाइम से पहले रेडी हो लिए। आ जाओ भाई, बैग वगैरह ले लो और पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है भाई, गर्मी बहुत है। और उसी के तो बाल कब्जे से बाहर ही हो रहे हैं, पता नहीं बहुत तेल भी लगावे हैं, बिठावे भी, बैंड वैंड सब लगावे, फिर भी निकल जाए हैं। हवा का रोग इसी की तरफ रहे ना, और उसी की बस। अब ठीक है, और इसकी बैग की पट्टी छोटी बड़ी हो रही, बैलेंस खराब हो रहा, हटिए ला करूंगा। ले हो गए बराबर, चल टांग ले बराबर हो गए, देख वो पानी भर रही है कैंपर में से, अभी बोतल वही भी ले जाएगी फिर भी, है ना। इसकी बोतल रख दी यार। कहाँ, कौन सी रखी है? अच्छा उसमें यहाँ पीवेगी अपनी मर्जी वाली बोतल ले जाएगी, नहीं मानने की। गुड्डू तुझे जंक है? हाँ, पता नहीं 8-10 बार तो उस रूम जावे। लोग जंक है, चल जा। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो सब, बाय, मिलते हैं 1:30 बजे। भाई अब इस पे कर देंगे राख का छिड़काव, राख यहीं इसी रख रखी हमने कट्टे में भर के, इन सब पर तो इन्होंने मार दी थी। मैंने कहा वो छोटे छोटे से पौधे हैं भिंडी के, उसकी पत्तियां जो हैं इन्हें पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वो ही लाल से वाला ही है क्या वो खा रहा, तो उस पर और मार दो बस, या नहीं। बड़े वाले पेड़े पे भी भिंडी आनी शुरू होगी इस पर, अब तक हमारे सारे भिंडी ना इतनी बड़ी बड़ी हो जाती, देख लो इतना बड़ा ये पौधा हो गया भिंडी का। ये मैंने ज़्यादा गिनगी लगा रखी है ना, एक पौधा इतना बड़ा होगा, देखियो इस स्पेस चावे हैं। फिट की दूरी पे होता है पौधा। हाँ, मुझे पता नहीं था ना, बोते टाइम कई सारी चीज़ें पता नहीं रहता, हमने बो दिया ये पालक की तरह, जैसे पालक बोक रहे हैं, ये अपने आप ही नंबर वो कर देगा, कचरे के एक बेल सी अली कट गई आज ही। इस लाइट पर देखो कितनी सुंदर चिड़िया बैठी, ब्लैक और वाइट एकदम से जोड़ा है यो, वह आस पास में घूम रही, दूसरी इसकी जो सहेली है और उसे जगह नहीं मिल रही कहीं बैठने की, और इसने अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लाइट के ऊपर बैठे हैं। इसमें तो चलो वजन नहीं है, लेकिन अगर कबूतर बैठे हैं ना लाइट के ऊपर तब जाके नुकसान हुआ है, ये सारे होल्डर ही इन्होंने ढीले कर दिए, यह तो छोटी सी है इसलिए इसमें तो ज़्यादा वजन नहीं है, जब झटका मार के उठाएंगे। तो भाई लंच में आज बन रहा है कद्दू, और जल्दी से ही तैयारी क्योंकि यहाँ पे आ जाती है बहुत तेज़ धूप, और कद्दू बना रही है माँ अपने हाथों से, यहाँ पर पतीली में चला गया तेल के साथ में साबुत लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, मेथी और सौंफ, इसमें छौंक लग रहा है। ये गाड़ी सारी यहीं पे छोड़ के चले गए, अपनी बाइसिकल सारे के सारे चला चला के देखी, सुबह 1-2 राउंड लिए तैयार होने के बाद स्कूल से, अब मुझे लगानी है इनके गैराज में, और इनकी जो ये बाइसिकल्स हैं ये सब यहाँ पे खड़ी होती हैं, अब इनका गैराज बन गया है यहाँ पे, और जितनी भी बाइक हैं यहाँ से वो घेर में पहुँचा दिए हैं, घेर में खड़ी होती है। पता क्या करेगा वो चलाने में, पहले यह चला होगा, इसके 4 चक्कर लगा का, फिर इसके लगा का 4 चक्कर, फिर इसके भी लगा का,
तीनों चला के देखी, तीनों चला के देखा करनू शाम के टाइम करेगा। टाइम कम भले ही मिलो लेकिन अलग अलग चला के सारी देखेगा, जिसमें हवा कम होगी उसमें हवा भरवा होगा पिताजी पे। और ये अब नंदनी वाली हो गई है सबसे छोटी, इसे भी मुझे सुरक्षित रखनी पड़ेगी, नहीं तो आते ही पूछती है उसमें हवा फुल है, टायर दबा के देखे अब तो अभी है। रात पापा जी खाना तो बाद में बनवाइयो, पहले नु देख लो मैं साइकिल चला रही है, मुझे चलानी सिखाओ। जो सीखने के दौर में है वो नंदनी है, तो ले भाई खड़ी कर देते हैं उनकी छांव में, नहीं तो धूप आ जाएगी इन गाड़ियों में। तो भाई कद्दू हमारा पक के तैयार हो गया, अब इसमें डाल देते हैं ये शक्कर, आम का अचार भी डाल लेंगे ना। खट्टा मीठा बनाने के लिए हम लोग आमचूर का पाउडर नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग डालते हैं कच्चा आम और शक्कर इसमें डाली थी मीठा करने के लिए। ये था पका हुआ कद्दू यानी कि पम्पकिन, और आज इसकी सब्जी बनेगी। हमारे घर में बहुत सारे आ रहे हैं, ये गाय को खिलाते हैं ना अपनी कृष्णा को, खा लेती है वो, तो आज माँ ने थोड़ा बचा लिया था कि आज जो है इसे बना लेंगे। वैसे तो करेले ले रखे परसों के, लेकिन वो अटकी हुई बात है कहीं के ऊपर भरवा करेले के, और माँ कल नू कह रही थी कि वैसे ही बना लेंगे, और आज माँ ने काट लिया ये कद्दू। आम के अचार का सीजन है तो अब की बार अचार भी बनाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले बनाया था और वो इतना बना लिया था कि वो 2 साल तक बतेरा रहा पूरी फैमिली को, क्योंकि खाने के कोई खास शौकीन नहीं है हमारे घर में, बस सब्जियों में इस तरीके से ही इस्तेमाल करें इसे। सुबह के 10:30 और अब मुझे होश सी आई, होश सी क्या, रात से पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क लगा। और अब मैं घेर में दवाई लेकर लेट गई थी, फिर वहाँ पे कुछ अरविंद के फ्रेंड आ गए, मैं आ गई थी घर, मैंने सोचा नहा लिया जा। गर्मी होने लगे तो बिजली के साधन जो है वो भी धोखा देना लगे, कल हमारे निचरले वाले इन्वर्टर ने जो है धोखा दे दिया था, अभी भी रेंग रेंग सी का बोल रहा है, एकदम तो सांस सा खींचा फिर बंद हो जा, सांस सा खींचा फिर बंद हो जा। हाँ इसीलिए इसकी बैटरी जो है चार्ज नहीं हो पाती, पता नहीं इसमें फिर से कुछ दिक्कत आ गई दिखा है। ये नई बैटरी पिछले साल ही रखवाई थी और कई बार तो ये चेंज करवा ली, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। ये देखो आवाज़ आवेगी फिर से बंद हो जाएगा। तो भाई जैसे कि सीजन चल रहा है ना, खीरे ककड़ी खरबूजा और जी मतीरा तरबूज, तो भाई इनमें तो देखो मौज है पूरी, ये भी आ जाए हैं पड़ोसियों के से जिनके यहाँ फसल हो रही ना भाई, खूब गिफ्ट में दे जा रहे हैं। देखो खीरा आम भी आते हैं, कच्चे आम की लौंजी बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, और फूंट भी रखी है भाई, फूंट कचरा फ्रिज में रखी, देखा आया मैं, वे भी आई होंगी कहीं ना कहीं से। अभी बज गए हैं 11:30, 1 मिनट बाकी है, और आज सबसे लेट लतीफ हूँ काय में ब्रेकफास्ट करने में, आज करा नहीं है नन्ना भाई किसी काम में व्यस्त होने के कारण। माँ क्या रख 9:30 तो तेरी चाय ने बाट देखी, अच्छा फिर मंगाया तो खराब होगी, और चाय दोबारा गर्म करके नहीं पी, और मैं आया ही लेट है, मैं कहीं बाहर गया था। अभी क्या रखा माँ खाने के लिए? हाँ तो देखो आज मेरा आज का पिट्ठा। अच्छा माँ ने बना रखा है पेठा भाई, है उसे खाऊंगा, खा रहा वो कह रहा तो बहुत टेस्टी हो रहा। अच्छा तो चलो भाई पेठा लेते हैं, रसोई में चलते हैं अभी। तो बना के रिजर्व में है खाना भाई, माँ ने बना रखा है पेठा और रखी हैं रोटियाँ, ये देखो ये रखी है फूट, और ये ठंडी हो जाएंगी अभी फ्रिज में रखती हैं। पुदीना वगैरह गर्मियों के जितने भी आइटम हैं उससे लेस है फिलहाल फ्रिज, सब चीज़ें रखी हैं इसमें ठंड पहुंचाने वाली। और टमाटर भी फ्रिज में रखना चाहिए माँ, नहीं तो ये बस से हो जाएंगे, बुढ़े से हो जाएंगे तो शाम तक। इन ऊपर वाले में रख के आओ क्या, अभी दूसरा फ्रिज चला नहीं रखा है, एक से ही काम चला रहे, ये भी सोच रहे कि एक से ही काम चल जा, लेकिन इन्हें सब्जियों को ऊपर वाले फ्रिज में रख के आऊँ माँ। है भाई खिचड़ी भी है, रात से थोड़ी सी तबीयत है उसकी खराब, पेट में दर्द है, खिचड़ी है बबली के लिए, मेरे लिए है ये पेठा और रोटी। तो अभी मैं तो करूँगा ब्रंच, और उसका भी ब्रंच ही है। आज मैं बहुत बारीकी का काम कर रहा बिना चश्मे के, चश्मा मेरा खराब है बहुत दिनों से और मैं उसे लगा नहीं रहा हूँ, पढ़ते लिखते भी और कंप्यूटर देखते भी, और मेरी ताल सी लग नहीं रही है उसे ठीक करवाने की। अभी किसी दिन जाऊंगा मुजफ्फरनगर तो उसे ठीक करा के लाऊंगा। तो भाई फिलहाल जो है ना हमने एक सिम पोर्ट करवाया, और करवाया एयरटेल में,
एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छे चले यहाँ हमारे गांव में। जियो का भी फैल हो गया क्योंकि जियो के टावर पे सब लटक गए फोन। जैसे ही जियो का टावर लगा तो भाई सब ने जियो में पोर्ट करवा लिया, वहाँ उसके टावर पे भी इतनी भीड़ होगी। अब एयरटेल ने थोड़ी सी सर्विस सुधारी है तो हमारे पास था एक आइडिया का। आइडिया तो बेचारा ख़त्म ही हो गया, नेटवर्क रहा ही नहीं। छत पे भी चढ़ जाओ तब भी नहीं आता। जैसे आज से 20 साल पहले छत पे चढ़ गए कर रहे थे ना बात कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, चलो छत पे चढ़ गए ऊपर आ जाएगा नेटवर्क। ऐसे भी बात करें ऐसे भी नहीं आती। फिलहाल भाई मैं ये देखो एयरटेल ये डाल लूँगा सिम में। मैसेज तो ये आ रहा था कि भाई जब पुराने सिम के नेटवर्क भाग जा उसमें दिखा लगा नो नेटवर्क नो सर्विस तब डाल लियो। तो पुराने सिम में ऐसा ही हो रहा था तभी मैं इसे लेकर बैठा। तो भाई अभी फिलहाल स्कूल की हो गई छुट्टी, 1:30 बज गया है। चिंकी और चिंकी सबसे पहले मेरे पास आई यहाँ पे भाई ठंडक में, थोड़ी सी गर्मी बहुत है। कल भी टेम्परेचर जो है ना 44 डिग्री पहुँच रहा था, तो समझ सकते हैं कि भाई कितनी कैडी धूप होगी। तो बच्चों के लिए स्कूल थोड़ा सा मुश्किल तो है आजकल, लेकिन क्या करें भाई एग्ज़ाम चल रहे ये पूरे करने ही होंगे। हाँ जी बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी। जब स्कूल की छुट्टी हो जा और बच्चे बाहर ग्राउंड में आवे ना, जैसे ग्राउंड में बस खड़ी रहे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी लगे। धूप में आवे निकल। हाँ जी नंदनी, नंदनी सोई तो नहीं थी? नहीं नंदनी अब नहीं सोती। नंदनी भाई पानी वानी लेके भेजा था नंदनी को, बेटा पानी पीते रहना। तो ये आ चुके हैं स्कूल से वापस, और बाकी क्या खाना खा रहे हैं? अभी तो नीचे खाना खा रहे, मैं नहीं खाती क्योंकि मैंने पानी पी लिया ज्यादा। तुझे भूख नहीं लग रही है? हाँ जी। खाना कम ही खा रहे हैं बच्चे भी आजकल, देख लो कैसी हालत हो रही है इनकी। हैं खाना खा ले तो थोड़ा बहुत चिंकी, तभी तो पानी पीने का भी फायदा लगेगा शरीर में। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग का आज यही पे कर देते हैं एंड, मैं और चिंकी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय सबको हमारी राम राम।